सुनिए, हम लोग इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक इश्यू क्या क्या होता है, क्या क्या समस्याएं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज का होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ गए क्या बोले? यहां से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क का भाई? इसमें सबसे पहले समझना है डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड का मतलब होता है ऐसा देश जो विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? डेवलप। और अंडर डेवलप इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा देश जो विकास नहीं किया है, अर्ध विकसित। लेकिन आप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग नहीं डेवलप है, नहीं अंडर डेवलप है, तो आप लोग क्या है? डेवलपिंग है, बीच वाला है, बीच वाला नहीं समझे, डेवलपिंग। बट डेवलपिंग को क्या कहते हैं, डेवलपिंग को कैसा फील करते हैं आप बताइए, बोलिए ना। डेवलप फिक्स फील करते हैं कि अंडर डेवलप फील करते हैं? अंडर डेवलप ही फील करते हैं। तो अंडर डेवलप का फीचर्स अगर डेवलपिंग में लिखिएगा और सेम चीज करिएगा तो आंसर आपका करेक्ट होगा। समझ गए क्या बोले, किसका बात कर रहे? अंडर डेवलप डेवलप्ड, बोलो क्या बोले? अंडर डेवलप माने अर्ध विकसित, कम विकास के, जोर से बोलिए, मैं बोल रहे हैं। अंडर डेवलप माने कम विकास किया, डेवलप माने विकसित है, विकास कर चुका है, विकास। तो डेवलप्ड इकोनॉमी का पहचान कैसे होगा कि विकास कर चुका है? पहचान करने का सिंपल तरीका है कि हाई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम उच्च स्तर पे होगा, हाई जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, हाई जीडीपी, समझ पा रहे? हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा उच्च स्तर का होगा, सब लोग पढ़ा लिखा मिलेगा, समझ रहे? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन उच्च स्तर का होगा, माने एक घर में 5 लोग नहीं होंगे, एक घर में एक जन रहेगा, तो स्टैंडर्ड तरीका से रहेगा। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रूम रूम, जैसे एक घर में ही पूरा फैमिली रहता है ना, भारत में निवास करता है, वैसा नहीं होगा, समझ रहे? और हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल होगा, हाई लेवल का टेक्नोलॉजी रहेगा, समझ रहे? लो पॉपुलेशन, जनसंख्या कम रहेगा। जनसंख्या फीचर से, किसका फीचर से भाई? डेवलप्ड इकोनॉमी, किसका फीचर से? तो पहला क्या बोले बता? हाई जीडीपी, हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई टेक्नोलॉजी, लो पॉपुलेशन, यही है ना। अंडर डेवलप में जाइएगा ना तो जितना हाई बोले हैं सब लो मिलता है, और जो लो बोले हैं वो हाई होता है, पॉपुलेशन खूब होता है, समझे? किसका बात कर? अंडर डेवलप, किसका? तो अंडर डेवलप का क्या फीचर्स हो सकता है? लो जीडीपी, लो नेशनल इनकम, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बट हाई पॉपुलेशन, हाई तो डेवलपिंग का भी सेम फीचर्स है। अंडर डेवलप इकोनॉमी का एग्जाम्पल है अंडर डेवलप, समझ पा रहे? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब अंडर डेवलप है। श्रीलंका, श्रीलंका, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सब अंडर डेवलप है, क्लियर? डेवलपिंग का एग्जाम्पल है इंडिया, डेवलपिंग है, वैसे डेवलप रहा है, समझ पा रहे हैं? इंडिया, ये क्या है? डेवलपिंग। डेवलप्ड कौन है? यूएसए, जापान, इंग्लैंड, समझ रहे? ये सब डेवलप्ड है, समझ गए क्या बोले? क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग को ये समझना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई, बोलो क्या बोले? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन ने दिया था। किसने दिया था भाई? यूनाइटेड नेशन ने दिया था। किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि लोगों का, समझ पा रहे, लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस स्तर पे हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है? 0 का मतलब होता है लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है लेकिन बहुत ही कम,
वन का मतलब हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हुआ, अच्छा हुआ, समझे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामला में भारत 128 नंबर पे है। भारत कितना नंबर पे है? भारत के अंदर आइएगा तो वेस्ट बंगाल 8 नंबर पे, और सबसे लास्ट में बिहार है। सबसे लास्ट में कौन है भाई? बिहार है। अब जिला वाइज आइएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वेस्ट बंगाल के जिला में आइएगा तो नंबर वन पे कोलकाता है। नंबर वन पे क्या भाई? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के अंदर आइएगा तो समझ गए क्या बोले, मैंने यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों का उच्च स्तर पे होता है और कोलकाता के लोगों रियल में होता है, समझ गए। किसका बात कर रहे हम लोग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो क्या बोले? तो ह्यूमन डेवलपमेंट, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन बाय यूनाइटेड नेशन। कौन दिया था भाई? यूनाइटेड नेशन। मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 मींस लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 1 मींस हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जल रहा है ना रे बाबा, समझ रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ कंपोनेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ क्या होता है भाई? कंपोनेंट। कंपोनेंट होता है कि लॉन्गेबिलिटी, लॉन्गेबिलिटी माने लॉन्ग लाइफ, लॉन्गेबिलिटी माने लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एजुकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही से होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? सही से होना चाहिए। ये सब कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो क्या बोले? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट हमारे, समझ पा रहे, तुलसीदास जी अपने शास्त्र में ही लिख दिए थे शुरू में, बाद में तो इसको वर्ल्ड वाइड किया गया। इसका कंसेप्ट लिख दिए थे कि लोगों का लंबा जीवन होना चाहिए, जीवन स्तर सही होना चाहिए, लोग शिक्षित होने चाहिए, समझ पा रहे, तुलसीदास जी के द्वारा ऑलरेडी लिखा गया, एंड बाद में इसको यूनाइटेड नेशन कहता हम दिए हैं, समझ पा रहे। किसका बात कर रहे भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसका बात कर रहे? क्लियर है क्या? बोलिए, आगे बढ़े, बोलिए। इसका ऊपर एक तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था महबूबुल हक, पाकिस्तानी एक तो इकोनॉमिक्स था महबूबुल हक, और इंडियन भी एक तो इकोनॉमिस्ट था अमर्त्य सेन। ये लोग भी अपना विचार विमर्श किया था, तो थोड़ा इसका याद रखिएगा कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज गिवन बाय विच इकोनॉमिस्ट, तो अमर्त्य सेन और एक तो पाकिस्तानी था, क्या नाम था? महबूबुल हक। महबूबुल हक ये शिक्षा के ऊपर बोल दिया था आके, मूड अच्छा हो गया होगा, बम के ऊपर नहीं बोला, शिक्षा के ऊपर आके बोल दिया आके, समझे क्या बोले? किसका बात कर रहे भाई? किसका बात कर रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है कोर इंडिकेटर्स डेवलपमेंट। कैसे पता चलेगा कि आपका देश डेवलप हुआ है? उसके कुछ इंडिकेटर्स है, वो सब अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपका देश डेवलप किया है, डेवलपमेंट में है आप। पहला, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट अ बर्थ, कितना साल आपके यहाँ लोग जीवित रहते हैं ये बताता है कि आप कितना डेवलप है, कितना साल जीवित रहते हैं लोग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि इंडिया के लोग 67 साल जीवित रहेंगे, फीमेल, मेल 66 साल, मेल कितना साल, इकोनॉमिस्ट कहता है, समझ पा रहे हैं। एक साल फीमेल का लाइफ ज्यादा है। किसका बात करें? एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट अ बर्थ, माने कितना साल आप जीवित रहेंगे, एक कोर इंडिकेटर। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन, आप एनिमल प्रोटीन कितना लेते हैं, एनिमल प्रोटीन माने समझ रहे हैं, हाँ। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर रूम, एक रूम में कितना लोग रहते हैं, एक रूम में कितना लोग रहते हैं, ये कोर इंडिकेटर का। न्यूज़पेपर सर्कुलेशन पर, बोलने दीजिएगा कि नहीं, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों में कितना लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, पढ़ते कितना लोग न्यूज़पेपर, समझ रहे हैं आप लोग, कितना लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, समझ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, किसके किसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर का सुविधा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर मेल पे कितना होता है, प्रति व्यक्ति पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना होता है, माने खेती कितना होता है, खाइएगा क्या,
खेती किया हुआ है सामान तो खाइए। और परसेंटेज ऑफ एडल्ट मेल लेबर एग्रीकल्चर में, समझ पा रहे, मेल पुरुष पुरुष कितने लोग खटने वाले हैं, इससे तय होता है कि आपका देश कितना डेवलप किया है। ये इंडिकेटर डेवलपमेंट का क्या भाई इंडिकेटर है, मेन इंडिकेटर है। तो क्या चीज़, कितना साल जीवित रहेगा, एक रूम में कितना लोग रहता है, हजार लोगों में कितना लोग तक न्यूज पहुंच पाता है, न्यूज पढ़ पाते हैं, समझे। एनिमल प्रोटीन आप कितना ले रहे हैं, समझ रहे हैं? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर का कनेक्शन है या नहीं है, ये सब पोर इंडिकेटर है। क्या चीज का डेवलपमेंट का, क्या चीज का, आगे बढ़े बोलिए, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे, बोलो रे बाबा। सुनिए, नेक्स्ट है गरीबी को मापने का कुछ इंडेक्स है। ऐसे तो गरीबी को मापा जाता है गिनी कॉफिशियंट के जरिए, हेड काउंट रेशियो के जरिए। गरीबी को कैसे मापते हैं भाई, हेड काउंट रेशियो के जरिए, लेकिन इसका कुछ इंडेक्स है। इसको माप करने का कुछ क्या है, इंडेक्स है, कुछ मापदंड है कि कौन गरीब है और कौन नॉन गरीब है, माने गरीब नहीं है, पुअर नॉन पुअर, माने कौन गरीब है और कौन गरीब, गरीब कौन है जिसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा, आठवां क्लास तक पढ़ नहीं पा रहा उसका बच्चा, आठवां क्लास तक पढ़ नहीं पा रहा, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर का सुविधा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर का उसके घर में सुविधा नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, हेल्थ इशू है, मतलब खाने का सही से भोजन नहीं, तो हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है उसके घर में, समझ पा रहे। उसके पास एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है, ऐसे मैंने समझ रहे हैं, जैसे सुख सुविधा के लिए हम लोग के पास क्या रहता है, घर रहता है, फर्नीचर रहता है, थोड़ा बहुत जमीन रहता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। घर में और सुख सुविधा के लिए एसी, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब सुख सुविधा का ही सामान है, फैन, लाइट बल्ब, ये सब एसेट्स नहीं है। तो आप समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, गरीबी में है और ये सारे के सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है। कहाँ आता है भाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है। तो याद तो ऐसी रहेगा, बड़े बाबा गरीब कौन है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, गैस घर में उसका नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, पानी है भी तो बेटा 30 किलोमीटर जाके लेके आता है, आधा घंटा समय लगता है उसको ले जाने में, ले आने में पानी, कहीं दूर से पानी भर के ले आता है, तो गरीब ना है। पैसा रहता तो घर में कल करवा लेता, घर में सुविधा कर लेता, दूर से पानी लेके आ रहा पीने के लिए तो दिक्कत है उसको। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं, खाना बनाने के लिए फ्यूल नहीं है घर में, इधर नहीं है, समझ रहे, एसेट नहीं है सुख सुविधा वाला, जैसे बेड नहीं है, घर नहीं है, टीवी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, समझ पा रहे, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब नहीं है, समझ पा रहे, जो आपको सुख देने वाला चीज़ है। तो आपको कौन सा इंडेक्स में रखा जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बोलो क्या बोले, आगे बढ़े बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का समझना है, जीडीपी, बोलो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होता है जीडीपी, अच्छे से समझिए, साधारण भाषा में समझिएगा जीडीपी, अच्छा समझना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ एक साल के अंदर, एक साल के अंदर आपके देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, चाहे आपके देश में हमारे देश का व्यापारी करे या बाहर से कोई आकर के प्रोडक्शन करे, सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी, क्या निकलेगा जीडीपी, जान के क्या फायदा, जीडीपी जान के क्या फायदा। देखिए जीडीपी अच्छा रहेगा, जीडीपी अगर अच्छा है तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पॉकेट पर कम असर पड़ेगा, आमदनी अच्छा होगा, जीवन खुशहाल रहेगा। अगर जीडीपी बढ़िया है तो सभी के, पूरे देश का, जनता का बात करूँ, और जीडीपी खराब रहेगा माने आपके घर में कष्ट आने वाला है, ये तय है। कोरोना के समय याद रखिए -24% जीडीपी हो गया था कोरोना के टाइम में, क्या घर का स्थिति आप लोगों का बहुत अच्छा था क्या, मजा में कट रहा था क्या, नहीं, कष्ट था सभी लोग के घर में। तो देखिए जीडीपी माइनस में चला गया तो आपके घर में प्रॉब्लम आ गया, अभी जीडीपी सही है
समझ आना चल रहा है, सब ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोलो क्या बोले? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी को भी समझा दीजिएगा कि जीडीपी जानने से क्या फायदा। लोग बोलते क्या करेंगे जीडीपी जानने, अरे क्या करेंगे, आपका परिस्थिति कैसा होने वाला वो पता चलेगा। नहीं समझे? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन द कंट्री, विद इन द एक साल के अंदर वस्तु और सेवा का जितना भी उत्पादन हुआ है हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे देश का बिजनेसमैन करे या किसी और का देश का बिजनेसमैन करे, हमारे देश के अंदर हुआ है उसको हम जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो निकलेगा एनडीपी। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो क्या बोलो? और एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छे से सुनिए, नहीं समझे नहीं तो लोग कहते हैं ना क्या पढ़ाई लिखाई किया रे बाबा, तुमको कुछ जाना नहीं, ये सब तो जानना चाहिए आपको। किसका बात करें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोलो? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश का व्यापारी अपना देश होना चाहिए, मतलब शुद्ध देसी, शुद्ध हमारे देश का व्यापारी चाहे इंडिया में एक साल में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर कहीं भी जाके प्रोडक्शन करे, एक साल के अंदर वो जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो सारे के सारे कहाँ आएगा? जीएनपी में। कहाँ आएगा? समझे कि नहीं समझे? जीएनपी अपना देश का कंपनी, किसका देश का कंपनी, चाहे इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर कहीं भी करे, उसको क्या कहेंगे? समझे क्या बोले? मैंने शुद्ध शुद्ध देसी का बात चल रहा है, मैंने जो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करेगा अपना देश का व्यापारी हिंदुस्तान में, और अपना देश का व्यापारी पृथ्वी पे कहीं भी करेगा प्रोडक्शन वो क्या? हिंदुस्तान में। वही जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोलो? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोलो? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या जाएगा? जोर से बोलिए ना, शर्मा जा रहे हैं आप लोग। नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़े, बोलिए नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टोटल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल टोटल फैक्टर, एक साल के अंदर अंदर जितने फैक्टर इनकम हुआ सबको जोड़ दो वो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। क्या कहलाएगा भाई? एक साल के अंदर जो भी आपका फैक्टर इनकम हुआ है हमारे देश में, एक साल के अंदर अंदर फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? रेंट वेजेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट वेजेज इंटरेस्ट, एक साल के अंदर जो भी आपको मिला है सबको जोड़ दो। समझ पा रहे? हमारे देश में लोग रह रहे हैं ना, कमाई तो कर रहे हैं, तो सबको जोड़ दो, सब क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम माने राष्ट्रीय आय। क्या भाई? नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। बोलो क्या बोलो? जोर से बोलिए ना। आप जो कमा रहे हैं उस इनकम को पर्सनल इनकम कहते हैं, आप जो कमाई कर रहे हैं उस इनकम को क्या कहते हैं? आप कमाए वो पर्सनल इनकम, आप कमाए पैसा वो क्या है? क्लियर है? आप पैसा कमाए वो क्या है? आगे बढ़े, डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम माने जो पैसा बच गया टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया वो क्या है? डिस्पोजल इनकम। कौन सा इनकम? टैक्स देने के बाद जो इनकम पैसा बच गया उसे क्या कहेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। कौन सा इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। बोलो क्या बोले? डिस्पोजेबल इनकम। बोलो क्या बोले? तो डिस्पोजेबल क्या होता है? टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया, टैक्स देने के बाद जो पैसा उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं? नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम। बोलो क्या बोले? पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम माने कैसे निकलता है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, इसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। मान लो पापा 20,000 कमाते हैं और एक फैमिली में चार मेंबर रहता है, माने प्रत्येक पे कमाई कितना हुआ? प्रति व्यक्ति आय परिवार के दृष्टि में, देश का दृष्टि में निकालना होगा तो
टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नहीं समझ में आया, समझे किसका बात कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम, बोलो क्या बोला? आगे बढ़े। नेशनल इनकम को मापने का तीन मेथड है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम तीन मेथड से माप सकते हैं। नेशनल इनकम को कितना मेथड से माप सकते हैं? तीन मेथड। सुन लीजिए, नेशनल इनकम को हम तीन मेथड से माप सकते हैं। कौन कौन भाई? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। बोले क्या बोले? वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी, जैसे मान लो 10 रुपये में कोई सामान बनाए, उस सामान को इनको 12 में बेच दिए, ये उनको बेच दिए 15 में, ये 15 वाला बेच दिया 20 में मनोज को। मनोज रिटेलर है, मनोज कौन है भाई? रिटेलर को तो हफ्ता मार्जिन चाहिए, एक ही पीस बेच के कमाना है। हम लोग होलसेलर थे, हम पदबनी थे, आप सुपर स्टॉपिस थे, एजेंट, और ये होलसेलर थे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और कौन है? रिटेलर।